Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, आज का जो वीडियो है हमारा वो है 5 mistakes of bicep curls. अक्सर जो लोग गलतियाँ करते हैं bicep curls लगाते हुए, जिसकी वजह से उनका bicep grow नहीं हो पाता, bicep का peak नहीं develop हो पाता, arm बड़ा नहीं हो पाता. तो आज मैं वो सारी गलतियाँ आपको बताऊँगा और साथ में उनको कैसे करेक्ट करना है, क्या solutions हैं वो भी बताऊँगा. तो गाइस, अगर आपने इससे पहले जो मेरी वीडियोस बनाए हैं 7 मिस्टेक्स ऑफ स्क्वाट्स, 7 मिस्टेक्स ऑफ बेंच प्रेस, 7 मिस्टेक्स ऑफ डेडलिफ्ट्स, तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको चेक करिए. और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं या कर चुके हैं तो जो बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसे ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले. और अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम में तो फॉलो कीजिए, वहाँ पे सारे मैसेजेस और कमेंट्स का रिस्पॉन्ड मैं वहीं पे करता हूँ. सो गाइस, फर्स्ट मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं वो है पोस्चर की, यानी कि गलत पोस्चर रखते हैं बाइसेप कर्ल्स लगाते हुए, चाहे आप डंबल से लगा रहे हो चाहे आप बारबेल से लगा रहे हो. तो फॉर एग्जांपल, अगर आप डंबल से लगा रहे हैं बाइसेप कर्ल्स, तो आपका पोस्चर सबसे पहले आप फिक्स करेंगे बॉटम टू टॉप, यानी कि पहले आप लेग्स अपने फिक्स करेंगे स्टेबल, उसके बाद आपका कोर टाइट, देन चेस्ट अप, और अपने एल्बोज़ को आप फिक्स करेंगे एक जगह पे. तो ये आपका करेक्ट पोस्चर है बाइसेप कर्ल्स शुरू करने से पहले. अब बाइसेप कर्ल कैसे लगाने हैं, क्या लगाने हैं, वो बात की बात है, पहले पोस्चर ठीक होना चाहिए. पोस्चर गलत होने की वजह से कुछ लोग इस तरह से लगाते हैं बाइसेप कर्ल्स, कुछ लोग इस तरह से लगाते हैं बाइसेप कर्ल्स, तो ये दोनों पोस्चर गलत हैं. और इससे होता क्या है कि आपको आपकी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जब वेट लाइट होता है बारबेल में डंबल में तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वेट बढ़ने लगता है, आप अपने 6 to 8 रेपिटेशन, 4 to 5 रेपिटेशन जब आप लगाने लगते हैं, तो गलत पोस्चर होने की वजह से, लूज़ बॉडी होने की वजह से, कोर टाइट नहीं होने की वजह से इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो ये गलती मत करिए आप. सो गाइस, दूसरी मिस्टेक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और अक्सर लोग करते हैं इसको जिम्स में, वो ये है कि आप अपने बाइसेप कर्ल्स में जो आपकी रिस्ट है उसको न्यूट्रल ग्रिप में ले आते हैं, यानी कि आप हैमर कर्ल करने लग जाते हैं जब आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं. तो उससे क्या होता है कि जो टेंशन है जो आपकी बाइसेप में रहनी चाहिए वो बदल के आ जाती है आपकी ब्रैकियोरेडियलिस, यानी कि आपके फोर आर्म्स और आउटर बाइसेप में. तो बाइसेप कर्ल का मेन मकसद ही है कि आपके इस चीज़ को, इस हिस्से को ट्रेन करें, और वो तभी होगा जब आपका पूरा टेंशन थ्रू आउट दी रैप आपके बाइसेप में रहेगा. यानी कि आप सोचिए, जब आप अपने हाथ को आप सीधा सिर्फ बिना वेट के भी अगर आप इस पोजीशन में रखेंगे तो पूरा टेंशन आपको यहाँ पे आएगा. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे ले जाते जाते आप इसको न्यूट्रल ग्रिप में ले आते हैं, हैमर पोजीशन में ले आते हैं, और ऊपर लाते समय भी यहाँ तक आप इसको जब रैप शुरू करते हैं तो हाफ आपका रैप न्यूट्रल ग्रिप में चलता है, हैमर पोजीशन में चलता है, और उसके बाद आप इसको कर्ल करते हैं, तो आपका जो मूवमेंट है वो हाफ आता है आपके बाइसेप में. तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न है लोगों का बाइसेप ग्रो नहीं होने का. तो इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप बाइसेप कर्ल्स लगाएं तो आप डंबल को ऐसे बिल्कुल ना रखें, चाहे जितने बड़े डंबल हों, चाहे 30 kg से आप उठा रहे हैं डंबल, हमेशा यूँ रखिए. तो उससे क्या होगा कि थ्रू आउट आपके एक्सरसाइज में, रैप में, आपका टेंशन बाइसेप में रहेगा. मैंने ऐसे पकड़े हुए डंबल, अभी तक मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है अपने बाइसेप में. तो आप यूँ जब कर्ल्स लगाएंगे तब आपको मैक्सिमम आपको कॉन्ट्रैक्शन और मैक्सिमम स्ट्रेच आपको सिर्फ और सिर्फ बाइसेप में मिलेगा, रादर देन इसके. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आप नीचे से उठाइए यूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है, इस तरह से आप करेंगे. ठीक है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर स्ट्रेच. सो गाइस, थर्ड पॉइंट इसमें आता है हमारा एल्बो मूव करने का. अब अक्सर लोग कहते हैं कि आपको एल्बो मूव नहीं करना है बाइसेप जब आप लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको एल्बो मूव करना पड़ेगा अगर आप अपने बाइसेप में सही कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं. तो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, और उसका रीज़न ये है कि जब भी आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं तो आपका एल्बो लॉक होता है, आपका शोल्डर जॉइंट लॉक होता है. ठीक है, तो जब आप कर्ल्स लगाएंगे इस तरह तो आप अपने डंबल को इससे ज़्यादा ऊपर लेके नहीं आएंगे, और इससे ज़्यादा नहीं ला पाएंगे, और इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा. तो जब आपको एल्बो मूव इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब आपका रैप ख़त्म हो रहा है, अगर आप मूव करेंगे अपना एल्बो तो आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा यहाँ पे, और ये करना बहुत ज़रूरी है. जो लोग आपको ये बोलते हैं कि एल्बो मूव नहीं करना है, एल्बो फिक्स रख के करिए, वो खुद जब एक्सरसाइजेस लगाते हैं एल्बो मूव करते हैं अपना. ठीक है, बाइसेप चाहे वो आप बार से लगा रहे हो चाहे आप डंबल से लगा रहे हो, आपका एल्बो मूव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रैप के एंड में. ठीक है, तो जिस तरह से आप लगा रहे हैं ये यूँ नीचे से आपको अपना एल्बो मूव नहीं करना है. ध्यान रखिए, ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ से मूव नहीं करना है. यहाँ से आप मूव करेंगे तो आपका जो शोल्डर जॉइंट है ये आपका काम करने लग जाएगा, शोल्डर काम करने लग जाएगा, आपका जो फ्रंट, आपका फ्रंट डेल्ट है ये काम करने लग जाएगा, लेकिन आपको
इसको लॉक करके रखना है, ठीक है, और आपको अपने एल्बो जॉइंट को रैप के एंड में मूव करना है ताकि आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मिले पीक में। बारीकी वाली बात है, इसको ध्यान देना है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप एल्बो मूव मत करिए, वो पूरी तरह से सही नहीं है। एल्बो मूव करना है आपको, लेकिन रैप के एंड में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन को पाने के लिए। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट ये है कि लोग अक्सर फोकस नहीं करते हैं ईसेंट्रिक ओवरलोड पे। अब ईसेंट्रिक ओवरलोड क्या होता है? जब आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं, अगर आपका हैवी वेट है तो बाइसेप कर्ल लगाते हुए जब आप वेट नीचे लेके जा रहे हैं नेगेटिव्स में, तो इस चीज़ पे लोग फोकस नहीं करते हैं, बाइसेप कर्ल यूँ किए और उसी स्पीड में नीचे, ये तो ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, गलत फॉर्म है। जब भी आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं तो आपका पूरा फोकस आपके ईसेंट्रिक ओवरलोड में होना चाहिए, ताकि आपको पूरी तरह से स्ट्रेच मिले, आपका मसल एक्टिवेशन ज़्यादा हो, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है ये। और लोग अक्सर गलती बाइसेप में इसीलिए करते हैं क्योंकि चाहे आप स्क्वाट्स लगा रहे हो, चाहे आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, आपका जो नेगेटिव्स है उसमें आपको फोकस करना ही पड़ता है क्योंकि वेट आपके ऊपर गिरेगा। लेकिन बाइसेप कर्ल्स लगाते हुए लोग अक्सर इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि लोड आप जब छोड़ सकते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लोड छोड़ने में, लेकिन स्क्वाट्स और बेंच प्रेस में अगर आप लोड छोड़ेंगे तो वो आपको इंजर कर सकता है, बहुत सारी चोट लग सकती है आपको। तो अक्सर लोग इसमें ईसेंट्रिक पे फोकस नहीं करते और एकदम से वेट छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है आपको। सो गाइस, फिफ्थ मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि डरते हैं चीट रैप लगाने से। गाइस, अगर आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, बाइसेप ही नहीं, चाहे आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, चीट रैप करना गलत नहीं है। अगर आप 4-5 रेपिटेशन के लिए जा रहे हैं और हैवी वेट है आपका बारबेल में और आप हल्का सा चीट ले रहे हैं, अपने लेवरेज ले रहे हैं अपने शोल्डर का, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप चीट करके वेट को लिफ्ट कर रहे हैं हैवी वेट, तो उसके बाद जो ईसेंट्रिक ओवरलोड है, जो नेगेटिव्स हैं, उसमें आपका पूरा कंट्रोल हो, और ये कंट्रोल आपको बेनिफिट देगा बहुत सारी चीज़ों में। जो मैंने इससे पहले आपको डेडलिफ्ट की एक्सरसाइज बताई थी जिसमें बाइसेप टेंडन होने का खतरा होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि लोग ईसेंट्रिक ओवरलोड पे फोकस नहीं करते जब वो बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं। तो अगर आप चीट रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा अगर आप ईसेंट्रिक ओवरलोड पे फोकस करेंगे। तो इसका बेनिफिट आपको इस तरह से उठाना है, चीटिंग करना, चीट रैप्स लगाना कोई गलत बात नहीं है, हल्का बॉडी का मूवमेंट और हल्का शोल्डर का मूवमेंट इस्तेमाल करना गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो आइसोलेशन मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं, हर मूवमेंट आपका कंपाउंड मूवमेंट ही होता है। अगर आप चाहे बाइसेप कर्ल्स भी लगा रहे हैं तो उसमें भी आपका शोल्डर, आपका फोर आर्म्स, आपके रिस्ट, हर चीज़ यूज़ हो रही है, तो एक से ज़्यादा पार्ट, एक से ज़्यादा मसल यूज़ हो रहा है, तो कंपाउंड मूवमेंट ही है, राइट? तो बेनिफिट इसमें आपको इस तरह से लेना है कि आपको अपना फ़ायदा निकालना है एक्सरसाइज करते हुए। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो दैट, एंड टेक केयर। जीत सलाल साइन ऑफ।